बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर टू रियल एनालिसिस में वेलकम। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन करना चाह रहे हैं जी हम। ओके, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बेसिकली डेफिनेशन किस तरह से होगी। रियल वैल्यूड फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन इज सेट टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन अ डोमेन डी इफ़ फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा पॉजिटिव, और डेल्टा जो है वो हमेशा डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे। ठीक है, इस बात की हम लोग क्वेश्चन के अंदर जाके बात करेंगे। इसका मतलब है क्या, सच दैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डी, मीन्स डोमेन में से जब भी दो पॉइंट्स लें, एनी टू पॉइंट्स, एंड वेन एवर एक्स माइनस वाई का डिफरेंस लेस देन डेल्टा, जब भी ऐसा हो तो इन दोनों पॉइंट्स की जो फंक्शनल वैल्यूज़ हैं एफ एक्स माइनस एफ वाई, इनका डिफरेंस जो है वो होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन। अगर ऐसा होगा तो फिर हम लोग इस फंक्शन को बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ओके, अब बेसिकली यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन और कंटिन्यूस फंक्शन में डिफरेंस क्या है कि कंटिन्यूस फंक्शन में हम लोग लेते थे एक्स माइनस सी, सी वॉज अ फिक्स पॉइंट। ओके, सी फिक्स पॉइंट था, जिस फिक्स पॉइंट पे फंक्शन के कंटिन्यूस होने की बात होती थी। अब यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, हमने कोई भी दो पॉइंट्स लेने हैं, फॉर ऑल एक्स वाई हम दो पॉइंट्स लेंगे, उन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस चेक करेंगे, और उनका डिफरेंस अगर वेरी वेरी स्मॉल होगा तो उनकी फंक्शनल वैल्यूज़ का डिफरेंस भी वेरी वेरी स्मॉल होगा। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, इस हवाले से एक एग्जांपल करते हैं हम लोग सॉल्व। फंक्शन दिया हुआ हमें 3x प्लस 2, हमने इसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूव करना है रियल नंबर्स पे। ओके, हम कहते हैं कि फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव चूज़ डेल्टा, डेल्टा को हमने कुछ चूज़ करना है। अभी हमें तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डेल्टा को हम क्या चूज़ करें। ओके, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और डेल्टा को समथिंग चूज़ करेंगे हम, सच दैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू, और हम जब भी दो पॉइंट्स लेंगे अगर उन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस वेरी वेरी स्मॉल है, मीन्स लेस देन डेल्टा, तो हमने उनकी फंक्शनल वैल्यू जो है इनका डिफरेंस प्रूव करना लेस देन एप्सिलॉन। अब एफ एक्स असल में है क्या, देखें एफ एक्स है 3x प्लस 2, तो एफ एक्स की जगह पे आ जाएगा 3x प्लस 2, तो एफ वाई की जगह पे 3y प्लस 2 आना था, लेकिन माइनस की वजह से ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी नेगेटिव। ओके, यहाँ पे 2 हो गया कैंसिल, और अगर हम 3 को कॉमन लें तो इट बिकम्स एक्स माइनस वाई का मॉड, और हमने अभी अभी देखा x माइनस वाई का मॉड जो है वो है लेस देन डेल्टा, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा, साथ ही लेस का साइन आ जाएगा, और अब हमें पता चल गया हम डेल्टा को क्या चूज़ करें कि यहाँ पे एप्सिलॉन बच जाए। ओके, सो वी चूज़ डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन ओवर 3। ओके, तो डेल्टा को एप्सिलॉन ओवर 3 चूज़ करें, यहाँ पर थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है, और यहाँ पर बन जाएगा 3, डेल्टा की जगह पर एप्सिलॉन ओवर 3, इट बिकम्स 3 कैंसल, सो वी हैव एफ एक्स माइनस एफ वाई इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन। सो वी हैव वेन एवर एक्स माइनस वाई का मॉड लेस देन डेल्टा, इट बिकम्स एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। सो एफ ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन रियल नंबर्स। ओके, इस तरह की काफ़ी सारी एग्जांपल्स आप ख़ुद से ढूंढ के तो इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन करना चाह रहे हैं हम लोग। अ सीक्वेंस एक्स एन इज सेट टू बी कॉशी सीक्वेंस इफ़ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड अ नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट फॉर ऑल एम एन, हम कोई ऐसा नेचुरल नंबर एन नॉट फाइंड कर सकते हैं कि उस नेचुरल नंबर से, ज़रा देखिएगा इस बात को हमने अच्छी तरह से समझना है कि इस नेचुरल नंबर से बड़ी सारी टर्म्स जो हैं एम एन, एन नॉट छोटा है और एम एन दोनों बड़े हैं, तो सारे वो नंबर्स जो एन नॉट से बड़े हैं उन सारे बड़े नंबर्स के लिए उन टर्म्स का डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से भी छोटा होना चाहिए, मींस वेरी वेरी स्मॉल। ओके, याद रखिएगा एन नॉट एक ऐसा नेचुरल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं कि उस नेचुरल नंबर से बड़ी सारी टर्म्स का डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो देन हम लोगों ने कहना है एक्स एन इज कॉशी सीक्वेंस। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक थ्योरम प्रूव करना चाह रहे हैं हम लोग इसी डेफिनेशन के बेस पे। इफ़ एफ फ्रॉम ए टू आर इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ए, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है, एक्स एन इज़ अ कॉशी सीक्वेंस इन ए, देन एफ एक्स एन इज़ आल्सो कॉशी सीक्वेंस इन आर। ओके, ज़रा देखिएगा हमें दो गिवन इन्फॉर्मेशन हैं कि एफ जो है वो कौन सा फंक्शन है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है, तो डेफिनेटली अगर एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है तो हम इसके यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को अप्लाई कर देते हैं। आप यहाँ पर लिख दें डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी।
ओके स्टूडेंट्स, हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को अप्लाई कर देते हैं कि एफ अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो एप्सिलॉन के लिए कोई डेल्टा हमें ऐसा मिलेगा कि जब भी एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा होगा, मीन्स टर्म्स का डिफरेंस वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो इन दोनों टर्म्स के फंक्शनल वैल्यूज़ का डिफरेंस भी वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स लेस देन एप्सिलॉन। ओके, द सेकेंड इन्फॉर्मेशन वॉज एक्स एन इज़ अ कॉशी सीक्वेंस इन ए। अगर एक्स एन कॉशी सीक्वेंस है तो हमने अभी अभी जो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन पर ही हम उस कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई कर देते हैं। ओके, एक्स एन कॉशी सीक्वेंस है तो वी कैन फाइंड अ नेचुरल नंबर एन नॉट, कोई ऐसा नेचुरल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, और डेल्टा भी सच दैट के फॉर ऑल एन एम एम एन जो कि एन नॉट से बड़े होंगे, उन दोनों बड़े नंबर्स की डिफरेंस भी जो है बड़े नंबर्स का डिफरेंस भी लेस देन डेल्टा होगा। ठीक है, ये कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया हमने। ओके, अब ज़रा देखिएगा, अगर हम इसको सेकंड का नाम दे दें और यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट का नाम दिया हुआ है, तो इस बात का मतलब है क्या? इस बात का मतलब है कि जब भी हम दो वैल्यूज़ लेंगे एक ही, अगर उनका डिफरेंस डेल्टा से लेस हुआ तो उन दोनों के फंक्शनल वैल्यूज़ का डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस होना है। ओके, ये इनका मतलब है। तो ज़रा देखिएगा, हम इस वक्त डोमेन ए में हैं, ठीक है, फंक्शन जो है वो डिफाइन कहाँ पे, ए पे, तो मीन्स हम डोमेन ए पे हैं, तो ये जो भी वैल्यूज़ होंगी एक्स एम एक्स एन, ये सारी की सारी डेफिनेटली ए में से हैं, वेयर एक्स एम और एक्स एन डेफिनेटली हैं तो ए में से। सो बाय वन हम कह सकते हैं कि वेन एवर एक्स एम माइनस एक्स एन का डिफरेंस लेस देन डेल्टा एम्प्लॉयज़ इन ही दोनों की फंक्शनल वैल्यूज़ एफ एक्स एम माइनस एफ एक्स एन जो है ये होगा लेस देन एप्सिलॉन। ओके, हमने वन को अप्लाई किया और यहाँ पे लिख दें फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। ओके, तो ज़रा देखिएगा, हमने असल में इन दोनों को ज्वाइन किया। ओके, कि अगर इन दोनों का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है तो यहाँ पे हमने बोला कि जब भी दो टर्म्स का डिफरेंस डेल्टा से छोटा होगा, इन्हीं दोनों की फंक्शनल वैल्यूज़ का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होना है। तो इसी तरह अगर इन दोनों का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है तो फिर इन दोनों का डिफरेंस लेस देन डेल्टा होने की वजह से इन्हीं दोनों की फंक्शनल वैल्यूज़ का डिफरेंस भी एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब ज़रा देखिएगा, क्या ये कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन नहीं बन गई कि एन नॉट से बड़ी सारी टर्म्स जो हैं एम एन, उनका डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा है तो हम कह सकते हैं एफ एक्स एन, या फिर आपकी मर्जी है कि हम लिख दें एफ एक्स एम, ये इट डजेंट मैटर, इज़ ऑल्सो कॉशी सीक्वेंस। सो यही हमने प्रूव करना था कि हमने स्टार्ट में ही देखा क्वेश्चन के अंदर ही कि एफ एक्स एन को हमने कॉशी सीक्वेंस प्रूव करना है। ठीक है, तो ये कॉशी सीक्वेंस तभी हो सकती थी कि जब हम कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन फुलफ़िल करवा देते। वो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन थी कि दो टर्म्स का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। कौन सी दो टर्म्स? वो वाली टर्म्स जो एन नॉट से बड़ी हैं, उन टर्म्स के लिए। तो एफ एक्स एन बिकम्स अ कॉशी सीक्वेंस, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने देख ली। अब हम देखना चाह रहे हैं कि ऐसी डेफिनेशन के जिसमें अगर फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है तो कैसे लिखेंगे हम। अ फंक्शन इफ़ अ फंक्शन इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन सम डोमेन डी, देन होगा क्या कि फॉर एप्सिलॉन कोई ऐसा हमें कम अज़ कम एक एप्सिलॉन ऐसा मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट, कि एक एप्सिलॉन ऐसा मिलेगा कि एफ एक्स माइनस एफ वाई का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा एप्सिलॉन के। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में लेस देन एप्सिलॉन लिखते हैं, यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन, इवन हत्ता के इनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा ही होगा। तो डेफिनेशन ये कौन सी हो गई कि फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। किस तरह से लिखेंगे कि अगर दोनों डिफरेंस टर्म्स का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है, उसके बावजूद इन दोनों की फंक्शनल वैल्यूज़ का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा नहीं है, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन, देन वी से दैट एफ इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन डोमेन डी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम पे जाने से पहले बोल्ज़ानो वाइस्ट्रास थ्योरम देखना चाह रहे हैं हम लोग। ये थ्योरम क्या कहते हैं हमें, कहते हैं जी आई जो है वो क्लोजर बाउंड्री इंटरवल होगा और एक्स एन जो है इज़ अ सीक्वेंस डिफाइंड ऑन आई। हमने आई पे डिफाइन किया, डेफिनेटली आई अगर बाउंडेड है तो ये सीक्वेंस भी बाउंडेड ही होगा। और फिर बोल्ज़ानो वाइस्ट्रास थ्योरम हमें ये कहता है कि दिस सीक्वेंस एक्स एन हैज़ अ सब सीक्वेंस एक्स एन के दैट कन्वर्जिस टू सम पॉइंट एक्स। ओके, एक्स एन का हमें श्योर नहीं है कि वो कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा, लेकिन श्योर ये है कि एक्स एन बाउंडेड हो गया किसी बाउंडेड और क्लोज इंटरवल पे। तो फिर बोल्ज़ानो वाइस्ट्रास थ्योरम हमें कहता है कि एक्स एन की एक सब सीक्वेंस हमें मिलेगी एक्स एन के, कि वो लाजमी किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, मीन्स एक्स एन के कन्वर्जेस टू एक्स। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं
एक्स एन के माइनस एक्स का मॉड लेस देन एप्सिलॉन डेफिनेटली, तभी ये कन्वर्ज की डेफिनेशन होगी। ओके स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम को ज़रा देखना चाह रहे हैं हम। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम में है कि इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन ऑन अ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, देन एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ए बी। ओके, कि अगर एफ एक फंक्शन है, कंटिन्यूस है, कहाँ पे, एक ऐसे इंटरवल पे जो कि क्लोज भी और बाउंडेड भी है, तो याद रखिएगा एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होगा इस इंटरवल पे। और इसकी सेकंड जो है स्टेटमेंट वो भी याद रखिएगा, इफ़ आई जो है वो सबसेट है आर का कम्पैक्ट सबसेट, कम्पैक्ट मीन क्लोज एंड बाउंडेड, तो कम्पैक्ट का यही मतलब होगा क्लोज एंड बाउंडेड। देन एफ अगर कंटिन्यूस है आई पे, तो एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होगा, हम लोगों ने ये प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, हमने प्रूव ये करना था कि एफ़ जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, कंट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करने जा रहे हैं हम लोग। ऑन कंट्रारी, सपोज दैट एफ इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ए, कि एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें कम अज़ कम एक एप्सिलॉन ऐसा मिलेगा लाजमी जो होगा तो पॉजिटिव, लेकिन जब भी एक्स माइनस वाई का डिफरेंस लेस दैन डेल्टा होगा, इसके बावजूद एफ एक्स माइनस एफ वाई का डिफरेंस जो है वो लेस दैन एप्सिलॉन नहीं होगा, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एप्सिलॉन होगा। ओके, और क्यों ना मैं यहाँ पे ख़ुद से एक सीक्वेंस कंसीडर कर लूँ, लेट एक नहीं बल्कि हम लोग दो सीक्वेंस लेते हैं, एक्स एन एंड वाई एन बी टू सीक्वेंसेस इन आई विद, हम क्या करने लगे जी, एक्स एन माइनस वाई एन जो है इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन लेने लगे, एप्सिलॉन मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ वन ओवर एन। ओके, और लेकिन हमने अभी अभी सपोज़ किया कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, तो इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होने के बावजूद, बट होगा क्या, इन दोनों की फंक्शनल वैल्यूज़ एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन, इनका डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन ही होगा, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ओके, जब भी ऐसा होगा इवन, तो फॉर ऑल एक्स एन वाई एन बिलोंग्स टू आई। ओके, ये हमने कह दिया जी कंट्राडिक्शन मेथड से। ओके, अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखें, हमने जो दो सीक्वेंसेस सपोज किए ना, वो सीक्वेंसेस किस इंटरवल में, आई इंटरवल में, और आई हमें स्टार्ट से ही दिया हुआ है क्लोज और बाउंडेड इंटरवल, हमने इसको आई बोल दिया, इसको आप स्टार्ट में ही बेशक आई बोल दें, आई क्लोज और बाउंडेड इंटरवल है। तो हमने अभी अभी इस थ्योरम से पहले एक डेफिनेशन देखी, बुलजैनो वाइस्ट्रास थ्योरम की डेफिनेशन, कि अगर ये सीक्वेंस जो है वो क्लोज और बाउंडेड इंटरवल, ये सीक्वेंस जो है वो इस पे इस क्लोज इंटरवल पे डिफाइन किया हुआ है, और ये इंटरवल जो है वो क्लोज और बाउंडेड है, ठीक है, तो होगा क्या कि अगर ये सीक्वेंस उस इंटरवल पर है, तो देन बाय बुलजैनो वाइस्ट्रास थ्योरम होगा क्या, एक्स एन हैज़ अ सब सीक्वेंस, एक्स एन की सब सीक्वेंस ऐसी लाजमी होगी, हम सब सीक्वेंस को नाम देते थे एक्स एन के, दैट कन्वर्जिस टू एक्स, दैट इज कि एक्स एन के कन्वर्ज करेगी एक्स को, मीन्स यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एक्स एन के जो है माइनस एक्स इसका मॉड लेस देन डेल्टा होगा। ओके, ये हमने बोल्ज़ानो वाइस्ट्रास थ्योरम से कह दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने अभी तक यूज़ नहीं किया, क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन थी एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, एफ कंटिन्यूस है, अगर एफ़ कंटिन्यूस है तो एफ़ कंटिन्यूस होने की डेफिनेशन क्या थी, इस पॉइंट एक्स पे कंटिन्यूस है, मीन्स पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूस है, तो इस पॉइंट पे भी कंटिन्यूस होगा, और इस पॉइंट पे कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है कि एक्स एन के माइनस एक्स अगर लेस देन डेल्टा है, तो इन दोनों की फंक्शनल वैल्यूज़ भी लेस देन एप्सिलॉन होंगी। देखिएगा कि एफ़ अगर कंटिन्यूस है आई पे, तो जब भी एक्स एन के माइनस एक्स का मॉड लेस देन डेल्टा वेरी वेरी स्मॉल, तो इन दोनों की फंक्शनल वैल्यूज़ भी लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन ओवर टू कह दें यहाँ पे, जस्ट अपनी आसानी के लिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखें कि वाई एन भी हमने एक सीक्वेंस ली हुई है, किस इंटरवल पे, इसी इंटरवल आई पे, तो क्यों ना हम वाई एन की एक सब सीक्वेंस बना लें वाई एन के, और ये प्रूव कर दें वाई एन के भी एक्स को ही कन्वर्ज करती है, ये हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं। ओके, तो इसको देखिएगा कैसे, कंसिडर वाई एन के माइनस एक्स का मॉड, हम इसको लिख सकते हैं वाई एन के माइनस एक्स एन के और प्लस एक्स एन के,
माइनस एक्स, हमने यहाँ पे एक्स एन के को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, ओके। अब उससे क्या होगा देखें, ये वाई एन के हम इसको सेपरेट करते हैं, वाई एन के माइनस एक्स एन के इसके साथ प्लस और एक्स एन के माइनस एक्स इसका मॉड, तो डेफिनेटली यहाँ पे लेसर इक्वल का साइन आएगा और ये हमने अभी स्टार्ट में सपोज किया हुआ था लेस देन एन, ओके। इसकी जगह पे सॉरी वन ओवर एन, इसकी जगह पे वन ओवर एन आ जाएगा और ये हमने क्या सपोज किया हुआ है, ये हमने सपोज किया हुआ है जी डेल्टा, हमने अभी अभी ये लिखा हुआ है लेस देन डेल्टा, तो ये लेस देन इक्वल लेस देन का साइन, ओके। हमने इसको सपोज किया हुआ है लेस देन वन ओवर एन, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस वन ओवर एन है तो इनकी सब सीक्वेंस का डिफरेंस भी वन ओवर एन से छोटा ही होना है, ओके। तो अब ज़रा देखें कि ये प्रूव हो गया एक्स एन के माइनस वाई एन के जो है, सॉरी इस साइड पे बन गया वाई एन के माइनस एक्स, इसका डिफरेंस लेस देन वन ओवर एन प्लस डेल्टा, और जैसे ही आप एन को इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे, एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, वन ओवर एन बिकम्स ज़ीरो, तो इट बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल नंबर्स मीन्स एप्सिलॉन डैश, तो वी हैव वाई एन के माइनस एक्स इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन डैश, तो फिर से वाई एन के माइनस एक्स का मॉड लेस देन एप्सिलॉन है, और फिर से हम लिखेंगे फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो देन सिंस f is continuous on i, so we have, हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों की फंक्शनल वैल्यूज f y n k माइनस f x इसका मॉड लेस देन होगा एप्सिलॉन ओवर टू वेन एवर y n k माइनस x का मॉड लेस देन डेल्टा, ओके। ये फंक्शन की कंटिन्यूस होने की डेफिनेशन हम लोगों ने अप्लाई कर दी यहाँ पे, ओके। अब ज़रा कंसीडर करें, देखें हमने जो स्टार्ट में सपोज किया हुआ था, स्टार्ट में हमने सपोज किया हुआ है कि फंक्शन एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होगा, यहीं से कंट्राडिक्शन आएगी जो हमने गलत सपोज किया हुआ था, वो कैसे कि मैंने इनका डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सपोज किया हुआ है स्टार्ट में, तो क्यों ना हम इन्हीं दोनों के डिफरेंस को प्रूव कर दें लेस देन, तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी। वो किस तरह से प्रूव करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर एफ एक्स एन के माइनस एफ वाई एन के, इनका डिफरेंस हम लोग कंसिडर करते हैं, और ज़रा देखिएगा कि हम यहाँ पे एफ एक्स एन के माइनस एफ एक्स करते हैं और प्लस एफ एक्स भी और माइनस एफ वाई एन के एज इट इज़ रहेगा, हमने एफ एक्स को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी किया ऐड भी किया। अब सेपरेट कर लें जी इसको, एफ एक्स एन के माइनस एफ एक्स इनका मॉड सेपरेट करते हैं तो लेसर इक्वल का साइन आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे भी सेपरेट, तो क्यों ना हम वाई एन के को पहले लिखें और एफ एक्स को बाद में, ओके। ये हमने अभी अभी प्रूव किया स्टार्ट में कि इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन ओवर टू और इट इज़ आल्सो लेस देन एप्सिलॉन ओवर टू, सो दोनों की जगह पे आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर टू प्लस एप्सिलॉन ओवर टू, इट बिकम्स लेस देन एप्सिलॉन, ओके। इस साइड पे था एफ एक्स एन के माइनस एफ वाई एन के, इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स एन के माइनस वाई एन के लेस देन वन ओवर एन मीन्स डेल्टा, ओके। तो ये असल में हो क्या गया, ये तो डेफिनेशन हो गई यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की, कि मीन्स के इन दोनों का डिफरेंस अगर लेस देन डेल्टा है तो इसके लिए इन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो गया, इन्हीं दोनों की फंक्शन वैल्यूज़ हमने स्टार्ट में सपोज किया हुआ था, स्टार्ट में सपोज किया था कि कभी भी इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा, इनका चाहे डिफरेंस लेस देन डेल्टा हो जाए लेकिन इनका डिफरेंस ग्रेटर देन एप्सिलॉन ही होगा, हमने स्टार्ट पे सपोज किया हुआ था। लेकिन अब प्रूव हो क्या गया, अब प्रूव हो गया कि इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, अ कंट्राडिक्शन। ये हमारी स्टार्ट वाली बात की कंट्राडिक्शन होगी, इसका मतलब हमने गलत सपोज किया था, सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, हेंस एफ मस्ट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन आई। सो हम लोगों ने यही प्रूव करना था कि एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम है कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस, मींस के दो कंटिन्यूस फंक्शंस को हम कंपोज करेंगे, मींस के ऐड करेंगे। देखिए ए बी जो है वो आर के सबसेट्स हैं, एफ हमने डिफाइन किया हुआ है ए सी आर तक,
जी हमने डिफाइन किया बी से आर तक दोनों कंटिन्यूस फंक्शन हैं सच दैट एफ ऑफ ए जो है वो सबसेट है बी का. ओके कहता है जी इफ एफ इज कंटिन्यूस एट सम एक्स इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू ए. एफ जो है वो किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है ए पे और जी इज कंटिन्यूस एट सम बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू बी कि जी इस बी पॉइंट पे कंटिन्यूस है देन हमने प्रूव करना होगा कि जी ऑफ एफ जो है कंपोजिशन ये दोनों फंक्शंस की ये भी कंटिन्यूस होगी किस पॉइंट पे किसी पॉइंट ए पे. ओके तो क्यों ना उसने जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जी जो है वो कंटिन्यूस है बी पे तो हम जी की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को अप्लाई कर दें. ओके हम लोगों ने जी की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं कि जी कंटिन्यूस है किसी पॉइंट टी इक्वल्स टू बी पे तो बी पे अगर कंटिन्यूस है तो जब भी हमें एप्सिलॉन कोई ऐसा मिलेगा उस एप्सिलॉन के लिए डेल्टा वन कह दें ऐसा मिलेगा पॉजिटिव दोनों सच दैट कि जब भी टी और बी का डिफरेंस वेरी वेरी स्मॉल होगा मीन्स लेस देन डेल्टा वन इन्हीं दोनों की जी पे फंक्शनल वैल्यूज़ भी जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होंगी. तो ये जी की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई कर दी. अब यहाँ पर ज़रा देखेंगे गिवन था b इक्वल्स टू f ऑफ a. ओके ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि b जो है वो f ऑफ a के इक्वल है और हम लोग पुट कर देते हैं t की जगह पे f ऑफ x खुद से पुट कर देंगे हम लोग. तो इन्हीं इसी स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ पे t है वहाँ वहाँ पे जस्ट हम लोग f a और f x पुट कर देते हैं तो इट बिकम्स g ऑफ t की जगह पे आ जाएगा f ऑफ x माइनस g ऑफ b की जगह पे आ जाएगा f ऑफ a का मॉड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर यहाँ पे t की जगह पे लिख दें f ऑफ x माइनस b की जगह पे f ऑफ a इट बिकम्स लेस देन डेल्टा वन. सो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर वन इसको इक्वेशन वन का नाम दे दें. ओके अब सेकेंडली हमें मज़ीद एक इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन के अंदर कि f जो है वो भी कंटिन्यूस है. ज़रा देखिएगा f जो है वो कहाँ पे कंटिन्यूस है. f इज़ कंटिन्यूस एट a. अगर f a पे कंटिन्यूस है तो f की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को अप्लाई कर देते हैं हम. ओके एफ के कंटिन्यूस होने की डेफिनेशन को अप्लाई कर दें कि एफ कंटिन्यूस था ए पे सो फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन कह दें डेल्टा कह दें डेल्टा वन मैंने क्यों बोला अभी देखते हैं. डेल्टा वन पॉजिटिव देयर इज अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट कि जब भी एक्स और ए का डिफरेंस वेरी वेरी स्मॉल होगा मीन्स के लेस देन डेल्टा इन्हीं दोनों की फंक्शनल वैल्यूज़ लेस देन एप्सिलॉन बोलते थे हम यहाँ पे बोलने लगे हैं डेल्टा वन ताकि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो आपस में मैच रहें. यहाँ पे भी डेल्टा वन तो यहाँ पे भी डेल्टा वन इस सारे को इक्वेशन टू का नाम दें. अब ज़रा देखें ये स्टेटमेंट होल्ड करेगी जब ये हो और ये स्टेटमेंट होल्ड करेगी जब ये होल्ड करेगा तो क्यों ना इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर दें. इन दोनों को ज्वाइन करने से क्या होगा हम दरमियान वाली चीज़ को स्किप कर देंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से. सो इसको होल्ड करवाने के लिए ये होता है और इससे ये होगा तो हम दरमियान वाले को स्किप करते हैं. सो फ्रॉम वन एंड टू वी हैव जी एफ एक्स माइनस जी एफ ए इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर दरमियान वाले इन इसको ये दो नहीं है एक ही है ना तो इसको स्किप कर दें वेन एवर एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा. ओके तो ज़रा देखिएगा ये एक डेफिनेशन फुलफिल होगी कंटिन्यूस फंक्शन की. जस्ट हम इसको लिखते हैं जी ओ एफ को हम इसको लिखते हैं जी ओ एफ ऑफ एक्स माइनस इसको जी ओ एफ ऑफ ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा. ओके तो ये फंक्शन जो है जी ओ एफ एक्स माइनस जी ओ एफ ए वेन एवर एक्स माइनस ए का मॉड एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा. ज़रा देखिएगा कि अगर दो पॉइंट्स का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है तो इन्हीं दोनों की फंक्शनल वैल्यूज जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन है तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है. ये फंक्शन जो इस वक्त यहाँ पर है जी ओ एफ सो हम लिखेंगे जी ओ एफ इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a. तो इस x a पे जी ओ एफ कंटिन्यूस है और जी ओ एफ है क्या जी ओ एफ है दोनों फंक्शंस की कंपोजिशन. सो हम लास्ट पे क्या बोलेंगे स्टेटमेंट में सो कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज आल्सो कंटिन्यूस. ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंटिन्यूस एक्सटेंशन थ्योरम. इस क्वेश्चन में डेफिनेटली हम एक्सटेंड करेंगे फंक्शन को. फंक्शन f इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ओपन ए बी इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी डिफाइंड एट द एंड पॉइंट्स ए एंड बी. हम ए एंड बी पे इसको डिफाइन कर सकते हैं सच दैट द एक्सटेंडेड फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. ओके मीन्स फर्ज करें हम फर्स्ट पार्ट सपोज करते हैं सपोज दैट एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ओपन ए बी. सो इट इज़ कंटिन्यूस ऑन ओपन ए बी. अगर एक फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूस भी तो होगा डेफिनेटली. तो देन हम फंक्शन को एक्सटेंड करते हैं जैसे कि उसने क्वेश्चन में बोला ए और बी पे हम डिफाइन कर सकते हैं.
देन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट ऑफ एफ एट ईच पॉइंट सी ऑफ ए भी एग्जिस्ट, कि ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और फर्ज करें कि हम फंक्शन को एक्सटेंड करते हैं ए और बी पे, तो एक्सटेंड करने के बाद जो ए भी इंक्लूड हो जाएगा उस पे भी लिमिट जो है वो पर्टिकुलरली एग्जिस्ट करेगी, ए पे भी और बी पे भी लिमिट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए और करेंगी भी। तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रोचेज टू ए इक्वल्स टू एफ ए एंड लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रोचेज टू बी इक्वल्स टू एफ बी, हम पर्टिकुलरली ये भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर हमने फंक्शन को एक्सटेंड किया ए और बी पे तो फंक्शन सारे इंटरवल पे कंटिन्यूस है, तो ए बी पे भी कंटिन्यूस होगा। सो वी कैन राइट क्लियरली एक्सटेंडेड फंक्शन इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। यही हमने प्रूव करना था कि अगर फंक्शन ओपन इंटरवल पे जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस लाजमी होगा। इसी तरह इसका कन्वर्स पार्ट सपोज करते हैं हम लोग, एक्सटेंडेड फंक्शन इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो एक फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम के मुताबिक जो है फंक्शन इसी क्लोज इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा। और अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल पे है तो फिर ओपन इंटरवल पे भी फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस लाजमी होगा। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है लिपशिट्ज फंक्शन की। ओके, अब फंक्शन फर्ज करें हम एक रियल नंबर का एक सबसेट लेते हैं, वहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो कहते हैं फंक्शन जो है वो लिपशिट फंक्शन कब होगा, इफ़ देर इज़ अ कॉन्स्टेंट के पॉजिटिव सच दैट कि एफ एक्स माइनस एफ यू जो है इसका मॉड हम अगर प्रूव कर दें लेस देन इक्वल टू के इन टू एक्स माइनस यू का मॉड। मीन्स कि अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन के मिल जाए, ऐसा नंबर के मिल जाए कि ये कंडीशन होल्ड करे, तो हम उस फंक्शन को बोलेंगे लिपशिट्स फंक्शन। ओके, इसी डेफिनेशन की बेस पे थ्योरम भी है, हमें कहा जा सकता है प्रूव दैट इफ़ एफ इज़ अ लिपशिट्स फंक्शन देन प्रूव दैट एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ओके, तो हम थ्योरम प्रूव करते हैं कि एफ जो है वो लिपशिट्स फंक्शन है, देन हमने एफ को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो यहाँ पे ही देखते हैं हम लोग, फ़र्ज़ करें कि एफ अगर यूनिफॉर्म लिपशिट फंक्शन है तो ये कंडीशन तो होल्ड करेगी, तो इसी स्टेटमेंट को आप दोबारा लिखें। मैं सिंपली लिखता हूँ एफ एक्स माइनस एफ यू का मॉड लेस देन इक्वल्स टू के इंटू एक्स माइनस यू का मॉड। ओके, ये हमने सपोज की कर लिया कि फंक्शन लिपशिट फंक्शन है, हमने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस बनाना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सपोज एक्स माइनस यू का मॉड लेस देन डेल्टा एंड चूज डेल्टा इक्वल्स टू समथिंग, हमने डेल्टा को कुछ चूज़ करना है, तो यहाँ पे ही वैल्यू पुट कर दें एक्स माइनस यू की, एफ एक्स माइनस एफ यू का मॉड लेस देन इक्वल्स टू के, और एक्स माइनस यू की जगह पे डेल्टा, तो इक्वलिटी का साइन ख़त्म हो जाएगा। अब डेल्टा मैं चूज़ करने लगा जी एप्सिलॉन ओवर के, ताकि यहाँ पे जब आप डेल्टा की जगह पे लिखें के इनटू एप्सिलॉन ओवर के, तो ये के हो जाए कैंसल, सो वी गॉट एफ एक्स माइनस एफ यू इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन। सो व्हेनेवर एक्स माइनस यू का मॉड लेस देन डेल्टा। ओके, तो जब भी एक्स माइनस यू का मॉड लेस देन डेल्टा, इनकी फंक्शनल वैल्यूज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। सो एक लिपशिट फंक्शन जो है वो हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन होगा।